आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं अब ओमिक्रॉन का असर कृषि व्यवसाय पर पड़ने लगा है। जहां केले की कीमत पहले ही कम हो चुकी है, वहीं किसान अब इस दुविधा में हैं कि केले का उत्पादन करें या ना करें। हालांकि भविष्य में केले की भारी कमी होगी और कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में सवाल उठता है कि क्या किसान केले की खेती करेंगे या नहीं, क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में केले का दर केवल 3,000 रुपये प्रति टन रह गया है। इसलिए कुछ किसान अब अधिक लागत वहन करके भविष्य के नुकसान से बचने के लिए सीधे फसल पैटर्न में बदलाव करते हुए भी दिख रहे हैं। केले की कीमतों में अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के कारण केले की खेती करने का सवाल किसानों के मन में बना रहता है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण केले की पौध की मांग नहीं है। नतीजतन लैब चालक डरे हुए हैं और उन्हें लाखों रुपए के केले के पौधे को फेंकना पड़ रहा है। कई लैब संचालकों द्वारा केले की बिक्री के भुगतान करने के अनुरोध के बावजूद किसान खेती करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रोपे छीन लेते हैं। सीजन की शुरुआत के बाद से केले की अपेक्षित दर नहीं रही है, इसलिए मराठवाड़ा में भी कई लोगों ने बाग काट दिया है। बताया जा रहा है ये ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के कारण बागवानी किसानों का नुकसान हो रहा है। जुलाई के महीने के दौरान पश्चिमी महाराष्ट्र में आई बाढ़ में केले के बागों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिससे केले के बाग पूरी तरह से तबाह हुए थे। तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र के किसानों ने केले की उपज भी नहीं ली है। केले के प्रबंधन और बाजार मूल्य के बीच सही मुनाफा ना होने के कारण किसानों ने केले की खेती की बजाय केले के बागों को काटने पर ज़्यादा जोर दिया है। हालांकि केले की खेती साल के किसी भी समय की जाती है, लेकिन मुख्य मौसम जून से अगस्त है। इस बीच किसानों ने खेती के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नतीजतन इस क्षेत्र केले की आवक में कमी आई है। पश्चिमी महाराष्ट्र किसानों ने केले की खेती के एक नए क्षेत्र में केले लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाजार की स्थितियों और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार के कारण किसानों ने अपनी योजना ही बदल दी। क्योंकि किसानों के मन में ये सवाल है कि क्या लाखों की लागत से केले लगाए जाने पर भी अपेक्षित दरों और ओमिक्रॉन से बाजार मूल्यों में सुधार नहीं हुआ तो आगे भविष्य में क्या ही होगा। इसलिए किसान अब दूसरे फसल उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन केले की खेती करने की हिम्मत नहीं कर रहे। पौध की बिक्री नहीं होने से प्रदेश में 35 में से 7 लैब बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।